परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर हमारे परमेश्वर ने हम सभी को नया जीवन दिया, आज का दिन दिखाया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से नए नियम में लुका रचित सुसमाचार उसका सातवां अध्याय नए नियम में लुका उसका सातवां अध्याय और हम पढ़ेंगे उसके 36 से पद से लेकर उसके 50 पद तक। लुका 7:36-50। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे साथ भोजन कर, तो वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। और देखो उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगे मरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगाने और अपने सिर के बालों से पोछने लगी और उसके पांव बार बार छूकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यह सुनकर यीशु ने उसके उत्तर में कहा कि हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। यह बोला, हे गुरु कहा। किसी महाजन के दो देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार धारता था। जबकि उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया, सो उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा। शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है, मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगाए और अपने बालों से भी पोछा। तूने मुझे चुमा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पांव का चुमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आजाद करेगी। आज एक बार फिर जब हम परमेश्वर के वचन सुनने के लिए इकट्ठा हुए तब बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना ताकि हम उसको हमारे दिल में उतार सके, ग्रहण कर सके और सबसे बड़ी बात कि आने वाले दिनों में हम उसके अनुसार चल सके और आशीषित हम हो सके। क्योंकि ये बाइबल हमें इसलिए दिया गया है कि हम इस वचन को समझे, माने और स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके। क्योंकि बाइबल को मानना ही स्वर्ग है। क्योंकि परमेश्वर ने आदम से भी कहा था कि आदम, ये जो एदन वाटिका है उसमें जितने भी फल है तू खा सकता है, लेकिन सबसे बीच में एक वृक्ष है जो भले बुरे का वृक्ष है और उसका फल तुझे नहीं खाना है। जिस दिन तू खाएगा
उसी दिन तू मर जाएगा। तो कई बार लोगों को सवाल होता है कि परमेश्वर ने ऐसा किया ही क्यों, परमेश्वर ने वो पेड़ रखा ही क्यों, अगर पेड़ ना रखते फिर तो ये सारी मुसीबत होने वाली नहीं थी। लेकिन रखने का कारण ये था कि परमेश्वर ने इंसान को कठपुतली नहीं बनाया था कि धागा बांधा हो और उसके अनुसार वो इंसान चलता रहे। आज भी कई बार और वो भी मसीह को मानने वाले लोग बोलते हैं कि अभी जो लिखा है वो तो होगा ही होगा, मतलब परमेश्वर ने पहले से लिख कर रखा है ये करेगा ये करेगा वो करेगा वो करेगा और उसके अनुसार वो जीवन जीता है, तो फिर वो तो कठपुतली हो गया। ये परमेश्वर लिखते नहीं हमारे बारे में कुछ भी, अगर लिखा है और फिर इंसान उस तरह से जीवन जीता है तो सारा कसूर परमेश्वर का है, इंसान का नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने लिखा तो इंसान ऐसा करता है, अगर परमेश्वर ने लिखा कि ये मर्डर करेगा तो कोई मर्डर करेगा ना, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हमको आज़ाद बनाया, परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र बनाया, हमें जो भी करना है हमारी मर्जी से करना है। इसलिए परमेश्वर हमारे कामों के अनुसार हमें बदला देते हैं और कामों के अनुसार वो हमें बदला देने वाले। तो प्रभु उसने पहले से चेतावनी दी थी कि तू पाप करेगा तो मरेगा, मेरा कहा हुआ नहीं मानेगा तो तू मरेगा, लेकिन फिर भी पाप आया। जबकि परमेश्वर ने बोला था लेकिन फिर भी इंसान के जीवन में पाप आया, मौत था सामने फिर भी इंसान ने मौत को जैसे चुना और लोगों के जीवन में मौत आई। उसके बाद अगर हम देखें बाइबल में तो पाप इतना बड़ा कि परमेश्वर जो थे वो परमेश्वर बहुत क्रोधित हुए और नूह के ज़माने में उस वक्त नूह के परिवार को छोड़कर सारे पशु पंछी की एक जोड़ को छोड़कर परमेश्वर ने बाकी सभी का नाश कर दिया। इतना बड़ा झटका उस वक्त इंसान को लगा और अभी सिर्फ 8 लोग बचे थे, नूह, उसकी पत्नी, 3 बच्चे और उनकी पत्नी। ये भी तकरीबन 1 साल से ज़्यादा वो लोग जहाज में रहे थे और अभी वो लोग बाहर आए। उन्होंने परमेश्वर का कितना भारी क्रोध जो है वो देखा, लेकिन फिर भी उनके जीवन में भी पाप आया। फिर से दुनिया के अंदर जो पाप था वो पाप बढ़ता गया। आज देखो पाप कहाँ तक बढ़ चुका है। आज दुनिया में देखो तो दुनिया के सभी लोग वो पाप में डूबे हुए, पाप बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी इंसान मरता है, फिर भी पाप में जीवन जीता है। लेकिन परमेश्वर ने इंसान से एक बात कही और हम बाइबल में पढ़ते हैं नित्य वचन का पुस्तक उसका 28 अध्याय, नित्य वचन उसका 28 अध्याय, वापस जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। हाँ, जो अपना अपराध अपना गुना वो छुपाए रखता है तो परमेश्वर बोलते हैं कि वो सफल नहीं होगा। फिर परंतु जो उनको मान लेता, लेकिन जो अपने गुनाहों को मान लेता है, अपने पापों को मान लेता है और छोड़ भी देता है, और मानने के बाद छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर बोलते हैं ऐसे इंसान पर दया की जाएगी। वो बहुत ध्यान समझना, पाप तो आ ही गया, दुनिया पाप से भर ही गई, लेकिन देखो परमेश्वर ने एक बढ़िया रास्ता हम इंसानों के लिए निकाला। और रास्ता ये है कि परमेश्वर बोलते हैं कि जो कोई पाप करता है वो सफल नहीं होगा, लेकिन अगर वो इंसान पाप करने के बाद भी अगर बचना चाहता है तो पापों को कबूल कर ले, उसके बाद वो पाप को छोड़ दे, पहले कबूल करे और फिर छोड़ दे।
अगर इंसान पाप को कबूल कर कर उसको छोड़ दे तो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि उसके ऊपर दया की जाएगी। देखो पाप कितना बड़ा है, उससे परमेश्वर को लेना देना नहीं। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं कि पाप को कबूल करो और कबूल करने के बाद उसको छोड़ दो तो उस इंसान पर दया की जाएगी। अभी देखो परमेश्वर की दया पाने के लिए कितनी आसान सी बात है, पाप को कबूल करो उसके बाद छोड़ दो। कितना बड़ा पाप किया था उससे परमेश्वर को लेना देना नहीं, चाहे बड़ा किया हो चाहे छोटा किया। लेकिन परमेश्वर बोलते कबूल कर लो और छोड़ दो, मेरी दया आपके ऊपर हो जाएगी। कितनी बड़ी बात। लेकिन फिर भी इंसान जो है वो पापों को कबूल नहीं कर सकता। पाप को कबूल करना वो इंसान के लिए समझ लो कि बहुत बहुत और बहुत ही वो कठिन बात है। पाप को कबूल करना चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन इंसान के लिए पाप कबूल करना बहुत कठिन बात है। किस तरह से कठिन है, आशा नाम का एक राजा हो गए और आशा जो थे परमेश्वर की निगाह में बहुत बढ़िया थे, परमेश्वर क्या क्या कार्य करते थे, परमेश्वर की निगाह में जो सही थे वही करते थे। ऐसा करते करते एक बार ऐसा हुआ कि आशा राजा थे तो उनके पास सेना होनी चाहिए, सेना थी उनके पास 580,000 लोगों की, और ये सारी बातें दूसरा इतिहास और उसके 14वें अध्याय में लिखी हुई है कि वो परमेश्वर के ऊपर प्रेम करते था, परमेश्वर के रास्ते पर आज्ञाकारी में चलते थे। उनके पास 580,000 की फौज थी, लेकिन उनके विरोध में कुश देश का जो राजा था वो चढ़ाई कर आ गया और उसके पास 1,000,000 सैनिक थे, 1,000,000 योद्धा। अभी देखो सामने 1,000,000 इधर 580,000। अभी आशा राजा वो डर गए, बोले मेरे पास तो आधे के समान है, सामने 1,000,000 लोग हैं। वो परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर मैं तो आपको मानता हूं और परमेश्वर आप तो निर्बल को सहायता करने वाले महान परमेश्वर, मैं आपकी आज्ञाओं को मानता हूं तो परमेश्वर मुझ पर दया करो। और परमेश्वर ये 1,000,000 लोग आए, मैं लड़ने के लिए जा रहा हूं लेकिन आप मुझे सहायता करना। तो परमेश्वर आशा को बोला कोई बात नहीं तू जा लड़ने के लिए। आशा लड़ने के लिए गए, लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपनी सेना के साथ लड़ने के लिए निकले और परमेश्वर लड़े और सामने दो 1,000,000 थे उनमें से एक भी नहीं बचा, और इधर जो 580,000 थे उनमें से एक भी मरा नहीं, सामने कोई बचा नहीं 1,000,000 में से, और इधर 580,000 में से कोई मरा नहीं। एक तो मरने से एक, लेकिन कोई भी नहीं। अभी चारों ओर जो है आशा का नाम फैलेगा, बोले इतना बड़ा राजा, सामने 1,000,000 लोग और 580,000 के साथ सामना किया और उसका एक भी योद्धा नहीं मरा, मतलब ये तो बहुत पावरफुल लोग है। चारों उसका डर बैठ गया। लेकिन उस वक्त इसराइल दो हिस्सों में बटा हुआ था, 10 गोत्र अलग से, 2 गोत्र अलग से, और जो 2 गोत्र थे बिन्यामीन और यहूदा का गोत्र उसी के ऊपर ही आशा राज कर रहे थे, और बाकी के जो 10 गोत्र थे उसके ऊपर उस समान बासा नाम का राजा राज कर रहा था। अभी इसने इसके ऊपर चढ़ाई कर दी, भाई ने भाई पर चढ़ाई कर दी। अभी क्या हुआ, आशा ने देखा ये तो इतने लोग है ही नहीं, ये कौन से 1,000,000 लोग हैं। तो आशा ना तो लड़ने के लिए गए, ना उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की, लेकिन आशा ने ऐसा किया आराम के राजा के पास कुछ लोगों को भेजा और उनको अपना सोना दिया और परमेश्वर के भवन में जो सोना था वो भी लिया, वो भी उसको दिया। बोले देख मैं तुझे इतना सोना देता हूं, मेरे पास आ, मेरी सहायता कर और बासा को भगा, बोले यहां से। आराम का राजा खुद आशा से डरता था, बोला आशा तो बहुत खतरनाक है, 1,000,000 लोगों को मार देता है और फिर भी उसमें से तो एक भी नहीं मरता। अभी से सोचा
10 लाख लोगों को मार दिया, लेकिन मेरी सहायता मांगता है। अभी समझो कोई बलवंत पुरुष है, चार और उसका नाम है, और वो आपके पास आकर बोले मेरी सहायता करो, तो हम क्या समझेंगे? अरे तो सिर्फ देखने में ऐसा लगता है, या तो इसका नाम चल रहा है बस, सही में इसके पास तो कुछ नहीं है, आसान दिखाए तो कुछ भी नहीं है। आराम के राजा ने देखा कि आसा तो कुछ भी नहीं है, तो कोई बात नहीं मैं सहायता करता हूं। लेकिन ये बात परमेश्वर को पसंद नहीं आई, ये परमेश्वर की निगाह में पाप था। क्यों पाप था? क्योंकि परमेश्वर बोलते कि राजा के ऊपर भरोसा मत कर, ना घोड़े के ऊपर भरोसा कर, क्योंकि उनके पास उद्धार नहीं है, उद्धार मेरे पास है, तुम मेरे ऊपर भरोसा कर। तुमने आराम के राजा के ऊपर भरोसा क्यों किया? और परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को भेजा, वह तू जा और आशा से कहे कि आशा ये तूने क्या किया, तूने मूर्खता की। और बाइबल में हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास उसका 16वां अध्याय और उसका 9वां पद। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब ये तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। परमेश्वर ने इससे कहा आसा राजा से, देखो ये किसी की समझ में नहीं आया कि आसा राजा ने कहीं पर गलती की, किसी को समझ में नहीं आया कि आसा राजा ने पाप किया, पर परमेश्वर की निगाह में आया, इसने मुझ पर भरोसा नहीं किया, तो अपने भविष्यवक्ता को भेजा और भविष्यवक्ता ने जाकर बताया कि आशा तूने मूर्खता का काम किया, ये काम तूने मूर्खता से किया, अब तू लड़ाया करता फिरेगा, परमेश्वर तुझे सहायता नहीं करने वाले। अभी यहाँ पर आशा को यह करना था कि परमेश्वर मुझसे गलती हो गई और आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन बहुत ध्यान समझना कि पाप को कबूल करना वो इंसान के लिए बहुत कठिन बात है, अपने गुनाह को कबूल करना इंसान के लिए बहुत कठिन है। और पढ़ो तो उसका 10वां पद। तब आशा दसी पर क्रोधित हुआ और उसे काठ में ठोकवा दिया, क्योंकि वह उसकी ऐसी बात के कारण उस पर क्रोधित था। और उसी समय से आशा प्रजा के कुछ लोगों को पीसने भी लगा। हाँ, अभी आशा ने क्या किया, क्रोधायमान होकर इस भविष्यवक्ता को जेल में डाल दिया, उसको बेड़िया पहना दी और बहुत सारे याजक लोगों को भी उससे परेशान करना शुरू कर दिया। क्यों आशा राजा ऐसा कर रहे? आज तक तो सही से चल रहे थे, आज तक तो परमेश्वर की निगाह में अच्छा काम कर रहे थे, आज तक तो विश्वासी थे, बस एक पाप उसको दिखाया कि आशा तूने ये गुनाह किया, आशा तूने पाप किया, बस पाप करो तो परमेश्वर बोलते उसको कबूल करो, उसको छोड़ दो। लेकिन इंसान को पाप कबूल करना बहुत बहुत और बहुत ही कठिन लगता है। क्यों? एक भविष्यवक्ता जाकर आशा को ऐसा बोले, आशा जो राजा है तूने पाप किया है। अगर आशा कबूल करता है और पूरी इज़राइल में यह बात फैल जाती है कि आशा ने जो काम किया था, जो सोना चांदी आराम को दिया था, वो तो उसकी गलती थी, ये तो उसका पाप था। इतना बड़ा राजा पाप करता है, इतना विश्वासी, ये गलती, उसको अंदर से शर्मिंदगी महसूस होती है, उसको ऐसा लगता है मैं बदनाम हो जाऊंगा, मेरी बदनामी होगी, मैंने गुनाह किया। और इसलिए इंसान क्या करता है, वो सामने वाले पर क्रोध करता है। देखना कभी भी पति पत्नी के लड़ाई झगड़े, बाप बेटे के लड़ाई झगड़े, दो में से एक की गलती होती है, बस दूसरा उसको गलती दिखाता है, गलती दिखाता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरी इज्जत जाएगी, अभी मान ली तो नहीं आपने ऐसा किया था, मैंने नहीं किया था। मत गलती मानने के लिए इंसान तैयार नहीं, ये उसको बहुत कठिन लगता है। और कठिन लगने का कारण ये है कि उसको ऐसा लगता है कि मेरी बदनामी हो जाएगी, लोग क्या बात करेंगे। अभी सब लोग समझो कि आशा राजा तो है ही महान, लाखों लोगों के ऊपर राजा है, 5 लाख 80 हज़ार की सेना है,
और चारों उसका नाम बर्बाद हो जाता है, उसका नाम बदनाम हो जाता है। तो चलो हम भी ऐसा समझ लेते हैं कि ऐसा तो इतना बड़ा था, इतना महान राजा था, और उसको शर्मिंदगी महसूस होने के कारण चलो वो जो है वो इस बात को जो है वो कबूल नहीं कर रहे। लेकिन क्या इंसान किसी के सामने कबूल ना करे, किसी के आगे अपना गुनाह कबूल ना करे, इसका मतलब ये कि उसने गुनाह नहीं किया? गुनाह तो किया ही किया है। और किसी को पता चले या ना चले, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि उस वक्त आशा राजा और इस भविष्यवक्ता को छोड़कर किसी और को ये बात पता चली हो। लेकिन हमारे परमेश्वर जो है वो हमारे परमेश्वर वो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि एक बार फिर से पढ़ते नवा पद। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहे। हाँ, अभी परमेश्वर को तो पता चल ही जाता है, और परमेश्वर को पता चलता है तो जब इंसान कबूल करता है उसको छोड़ देता है तो परमेश्वर उस पर दया करते, और इंसान जब उसको कबूल नहीं करता तो परमेश्वर का दंड उसके ऊपर आता है। अब परमेश्वर की जो सजा है वो सजा उसके ऊपर आती है, और आशा ने कबूल नहीं किया तो आशा के ऊपर परमेश्वर का दंड आया। और पढ़ो तो उसका 12 और 13 पद। अपने राज्य के 39वें वर्ष में आशा को पांव का रोग हुआ। 39वें वर्ष में आशा को पैर में दर्द हुआ और वह रोग अत्यंत बढ़ गया। हाँ, वो बीमारी इतनी बढ़ गई। तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों की ही शरण ली। हाँ, इतनी बीमारी बढ़ जाने के बाद भी वो परमेश्वर के पास नहीं आया, लेकिन डॉक्टर के पास जाता रहा। फिर अंत में आशा अपने राज्य के 41वें वर्ष में मर गए। आखिर में 41वें वर्ष में वो मर गया। 39, 40 और 41, 3 साल लगातार उसके पैर में सड़न हो गई, जिसको गैंगरिंग बोलते थे। उसका पैर सड़ता गया, दवाई करवाता गया, लेकिन बाइबल में स्पष्ट लिखा उसने परमेश्वर के पास न जाकर डॉक्टर के पास जाता रहा। डॉक्टर के पास चाहे कितनी भी ताकत हो, लेकिन अगर परमेश्वर ना चाहे, परमेश्वर की ओर से सजा हो, कोई डॉक्टर उसको कुछ भी नहीं कर सकता। इस जमाने की दवाई या ऑपरेशन उसको कुछ भी नहीं कर सकता, उसको बचा नहीं सकता। 3 साल तक राजा है, पैसे वाला है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर का उसने कॉन्टेक्ट किया होगा, लेकिन कहीं से भी उसका कुछ भी नहीं हुआ, और आखिर में 3 साल के बाद वो मर गया। पाप छुपाना जो है वो समझो एक इंसान की आदत बन चुकी है। आशा तो राजा था और लाखों लोग उसके हाथ के नीचे थे। हमें भी ऐसा लगता है कि हाँ, उसकी बदनामी हो सकती है, उसे भी लगा मेरा नाम बदनाम हो जाएगा, तो इसलिए वो करता है ऐसा। लेकिन आदम और हवा ने भी पाप किया था, तब उन दो के सिवा कोई था? सिर्फ आदम, सिर्फ हवा, वो भी कौन? पति और पत्नी। दूसरी ओर से देखे तो एक दूसरे की हड्डी, एक दूसरे का मांस। परमेश्वर ने उनका नाम आदम रखा था, ऐसा बाइबल में लिखा है। मतलब हवा नाम तो आदम ने रखा अपनी पत्नी का, लेकिन परमेश्वर ने दोनों का नाम एक ही रखा था, आदम। क्योंकि परमेश्वर कभी भी स्त्री और पुरुष, मतलब पति और पत्नी को दोनों ही मानते, वो एक ही मानते। अभी यहाँ तो एक ही इंसान था, क्योंकि आदम और उसकी एक पसली, मतलब हवा। अभी यहाँ तो इज्जत जाने का डर नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर आए, इन्होंने फल खाया, दोनों छुप गए, तो परमेश्वर आदम आदम तू कहाँ है? तो बोले परमेश्वर मैं पेड़ के पीछे छुप गया। तो बोले क्यों? बोले पैदा कर रख दिया, कपड़े कहाँ दिए? कपड़े तो दिए नहीं। परमेश्वर बोलते कल भी नहीं तेरे पास थे कपड़े, तो जब से मैंने तुझे बनाया मैं तुझे कपड़े दिए ही नहीं, लेकिन तू तो दौड़कर आकर मुझे मिलता था, तू तो मुझे प्रेम करता था, तू तो मुझे लिपट जाता था, आज क्यों छिप गया तू? कहीं वो फल तो नहीं खाया तूने जिसकी मैंने मना की थी?
बोल क्या परमेश्वर क्या बात करते हो, तूने जो स्त्री दी है ना उसने फल खाया, उसने मुझे खिलाया। देखो आदम नहीं बोल सकता हाँ मैंने भी खाया, बोले नहीं, स्त्री के ऊपर सारा दोष डाल दिया, पाप कबूल नहीं। परमेश्वर हवा को बोला हवा क्या तूने फल खाया, तो बोले नहीं प्रभु आपने जो सांप बनाया ना वही ऐसा था, उसने मुझे बहकाया, वरना मैं कौन सी खाने वाली। अभी देखो यहां पर कोई सुनने वाला है नहीं, सिर्फ दो पति और पत्नी, फिर भी इंसान पाप कबूल नहीं करता, क्योंकि पाप कबूल करने से मालूम है क्या होता है, मैं छोटा हो गया, मेरी गलती, इसकी गलती नहीं। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं पाप कबूल करो, उसको छोड़ दो, मैं दया करूंगा। लेकिन अगर आप पाप करो उसको मानो नहीं तो कोई बात नहीं, कोई नहीं जानेगा, लेकिन परमेश्वर जानते, और परमेश्वर जानते तो परमेश्वर आपको दंड अवश्य देंगे। आदम ने नहीं माना, हवा ने भी नहीं माना, तो परमेश्वर ऐसा बोलते हैं ठीक है खीक अभी मुझे पता चले तो मैं देख लूंगा। परमेश्वर ने क्या बोला कि स्त्री तूने फल खाया ना, अब से गर्भवती होने की पीड़ा तेरी बढ़ जाएगी, तो दुख से एक बच्चे को जन्म देगी। आदम को भी बोल दिया अब पसीना उतार कर, दुख से रोटी खाएगा, अब फल फ्रूट छोड़ दे तू, अब तू सब्जी खाएगा रोटी के साथ पसीना उतारने के बाद। और देखो आज भी आदम जिंदा है और हवा भी जिंदा है, क्योंकि आज भी स्त्री ओ दुख से ही बच्चा पैदा करती। अरे यहाँ तक कि अगर उसको पीड़ा ना हो तो प्रार्थना करो पीड़ा हो ऐसी प्रार्थना करो, बोले तभी नॉर्मल डिलीवरी होती है। आज सब कुछ बदल गया, आज भी हवा है और पीड़ा भुगत रही है, आज भी आदम है और पसीना उतार उतार कर वो दुख से रोटी खाता है, क्योंकि उन लोगों ने कबूल नहीं किया और इंसान की आदत ही बन चुकी है कि वो कभी भी अपना गुनाह जो है, अपना पाप जो है, वो पाप कबूल नहीं करता। कबूल करने के बाद उसको ऐसा लगता है कि मेरी इज्जत जाएगी, लेकिन जब गुनाह करता है पाप करता है तब उसको ऐसा नहीं लगता कि यार मैं पकड़ा जाऊंगा तो मेरी इज्जत जाएगी, मैं पाप कर रहा हूँ कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए और कहीं मेरी इज्जत ना चली जाए, तब उसको ये जो डर लगना चाहिए या इज्जत का डर लगना चाहिए तब उसे डर नहीं लगता। एक बार एक जगह पर चार घर रो हाउस के समान बनाए हुए थे और चार घर का टेरेस एक ही था, इधर चौथे घर के ऊपर सीढ़ियाँ, इधर पहले घर के ऊपर सीढ़ियाँ बस, और वहाँ से ऊपर जा सकते थे नीचे आ सकते थे। अभी गर्मी के दिन थे और पहले घर में एक लड़का रहता था, वो टेरेस पर सो जाया करता था, उसके एक घर छोड़कर तीसरे घर में जो लड़की थी उसके बाल बहुत लंबे थे, मालूम नहीं उसको घमंड होगा नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, मैं बहुत छोटा था, लेकिन ये लड़का जो था उसने उसके बाल देखे, मान उसको ईर्ष्या आ गई चाहे जो भी है, लेकिन इसने एक बार आधी रात में मालूम नहीं कितने बजे लेकिन सब सो गए थे, तब वो कैंची लेकर गया उसकी एक चोटी काट दी, को छोटी काटी वो लड़की की आंख खुल गई, उस इसको देख भी लिया, इतनी घबरा गई वो सिर्फ चीख ही चिल्लाई और ये भागा ऊपर, और उसका बेड तो था वहां पर, सो गया वो अपने ऊपर रजाई चादर जो भी थी वो लेकर सो गया। उनके सामने एक परिवार रहता था, वो भाई साहब का खुद का कारोबार था, वो रात को उसी वक्त लेट आए थे, उन्होंने अपने बाथरूम की लाइट चालू की थी और बाथरूम की जो खिड़की थी उसमें से हल्की रोशनी वहाँ पर जा रही थी, जैसे चीख आई ये सीढ़िया चढ़ रहा था और वो रोशनी में वो अंकल देख लिए। अभी क्या हुआ उन्होंने अभी तक कुछ बोला नहीं, लेकिन चारों सब उठ गए, मैं छोटा था मैं भी उठ गया रात में, हम सभी लोग बाहर निकले और वो लड़की सिर्फ इशारा कर रही है सीढ़ियों की ओर,
लोग भागे ऊपर की। वो तो रजाई या कंबल या जो भी था अपने सर के ऊपर लेकर सो रहा था। सब जब लोग ऊपर पहुंचे वो हटाकर बोलता है मैं नहीं था, मैं नहीं था। अभी उसको किसी ने पूछा ही नहीं तू था या नहीं था। लेकिन इतना होने के बावजूद भी उसने कबूल नहीं किया। देख लेने के बाद भी उसने उस वक्त ये बात जो है वो कबूल नहीं, क्यों? एक बदनामी का डर लगता है, इसने ऐसा किया, ये गुनाह किया, इसने ऐसा पाप किया। ये किसी एक इंसान की बात नहीं है, ये 100% सभी की बात है, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे आत्मिक हो, चाहे संसार का हो। लेकिन उसको गुनाह कबूल करना बहुत और बहुत ही भारी लगता है। वो चाहे गुनाह कबूल करे या ना करे, लेकिन हमारे परमेश्वर जो है वो सब कुछ जानते हैं। लेकिन गुनाह कबूल करने में जो शर्मिंदगी लगती है, बदनामी का डर लगता है, एक छोटी सी बात है, उससे कई गुना ज़्यादा बड़ी बात है, वो है परमेश्वर का दंड, परमेश्वर की सजा। शर्मिंदगी तो पूछ रहे, दो चार दिन की बात है, इंसान सब भूल जाता है। लेकिन गुनाह कबूल नहीं करने के बाद जो परमेश्वर का दंड आता है, वो दंड बहुत ही भारी होता है, और इंसान दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन गुनाह कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता, उसके लिए कठिन लगता है। इसका कारण यही है, बस उसके दिमाग में एक समझ है, उसके दिमाग में एक ज्ञान है, वो ज्ञान उसको बता देता है कि तू बदनाम हो जाएगा। वो ज्ञान से उसको पता चलता है, अगर आपके घर में चूहा आया, आपके हाथ में छोटा सा पत्थर था, कुछ भी था, आपने चूहे को मार दिया, चाहे हल्का सा चूहे को लगा, जो भी है, चूहा भाग गया, लेकिन उसके मुंह से क्या आवाज आती है, चू चू चू। अब उसमें हमको कहाँ पता चलता है, लेकिन सभी की एक लैंग्वेज होती है, चूहा चूहे की लैंग्वेज समझ जाएगा, हम नहीं समझ सकते उसकी लैंग्वेज, लेकिन चूहे को पत्थर मारो तो क्या बोलकर भागता होगा। अगर समझ में आती है तो हमको पता चलता, खड़ा रहा भी मुझे गाली बोलता है। फिर हम भागते उसके पीछे, तो हमें समझ में नहीं आता, तो हम चूहे को कुछ करते, हम कुछ भी नहीं करते, दिमाग में भी कुछ बात नहीं आती, सारा खेल समझ का है। जब समझ आती है ना, मेरी बदला मिलेगा, अभी तो छुपारा मिलेगा। तो जब इंसान के पास ज्ञान है, इंसान के पास समझ है, उसके कारण ये सब कुछ होता है। एक बार दाऊद राजा ने गलती कर दी, बहुत बड़े राजा, परमेश्वर उनके साथ बातें करते थे, एक भी लड़ाई हारे नहीं, और परमेश्वर का अभिषिक्त दास। लेकिन एक बार दाऊद राजा से गलती हो गई, व्यभिचार का पाप उनके जीवन में आ गया, उनको पता भी नहीं चला, और उनको एक बच्चा भी पैदा हो गया। उसके बाद परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को भेजा, बोला दाऊद के पास जाओ, उसको बोल तूने पाप किया है, उसको बता तूने गुनाह किया है। और इस भविष्यवक्ता ने जाकर दाऊद को बुलाया, दाऊद तूने गुनाह किया है, तूने पाप किया है, तूने किसी की पत्नी को अपनी पत्नी बना ली, तूने उसके पति को मरवा दिया, क्या तुझे पता नहीं चलता? और दाऊद राजा सोचा ये बात तो सही है। दाऊद राजा ना इधर देखा ना उधर देखा, दाऊद राजा ने नहीं देखा मेरी बदनामी हो जाएगा, लोग मेरी बात करेंगे, इतना बड़ा राजा ऐसा घिनौना काम करता है, चाहे हो सकता है कि लोग उसको राजा के पद से निकाल दे। बोले जो भी है, दाऊद राजा बोलता है हाँ मैंने पाप किया है, पर बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं दूसरा शमूएल इसका 12 अध्याय उसका 13 पद। तब दाऊद ने नातान से कहा मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा। अभी बहुत ध्यान से समझना, दाऊद ने कबूल किया, और कबूल करने का मतलब है कि दाऊद ये कहना चाहते कि अब आज के बाद मेरे से ऐसा घिनौना काम नहीं होगा। उन्होंने ये काम
छोड़ भी दिया। दाऊद राजा ने कबूल किया तो तुरंत एक बार फिर से पूरा 13वां पद। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है। देखो, परमेश्वर ने भी बोल दिया कि जा, तूने मेरे सामने कबूल किया, छोड़ दिया, तो बोलते मैं भी तेरा पाप दूर करता हूँ। हम इंसान जो समझते हैं ना, ऐसा होगा ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर ने इसकी बदनामी नहीं होने दी दाऊद की। दाऊद ने सोचा भी नहीं, जो होगा किया है तो किया है। हाँ परमेश्वर, मुझसे गलती हो गई, मैंने गुनाह किया है, प्रभु मुझे माफ करो, मैं छोड़ देता हूँ सब कुछ। और परमेश्वर ने भी बोला कि दाऊद, मैं तेरा पाप तुझसे दूर करता हूँ। पूरा बाइबल पढ़कर देख लेना, कहीं पर भी दाऊद की बदनामी नहीं हुई, कहीं पर भी किसी ने दाऊद को ऐसा नहीं बोला, इतना बड़ा होकर तू ऐसा काम करता है, एक ने भी नहीं कहा किसी ने ऐसी बात दाऊद से आकर, वो कभी भी वो नहीं कही। और दाऊद के ऊपर जो दंड आने वाला था, परमेश्वर ने उस दंड में दाऊद की सहायता की। देखो, और पढ़ो तो आगे क्या लिखा है। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा पति। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा। परमेश्वर ने पहले से बोल दिया कि अब दंड तुझ पर आएगा, लेकिन दंड में से भी मैं ही तुझसे बचाऊंगा। देखो, तू नहीं मरेगा। इसका मतलब अगर दाऊद ने कबूल ना किया होता तो परमेश्वर को तो मालूम ही था कि दाऊद ने गुनाह किया, दाऊद मार दिए जाते, जिस तरह से आसा मर गए। लेकिन दाऊद ने कबूल किया, छोड़ दिया, तो परमेश्वर बोलते हैं कि दाऊद, मैं भी तेरा गुनाह दूर करता हूँ। ये हमारे फायदे की बात है, गुनाह कबूल करो, अच्छी बात है। आपसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, मान लो, हम कोई छोटे बाप के नहीं होने वाले। किया तो किया, गलती हो गई तो हो गई, क्यों हम ना कबूल करें और परमेश्वर के दंड के सेह भागे होकर मर जाए और उसके बाद में भी हम नरक में जाए। इससे अच्छा है मान लो और मानकर उसको छोड़ दो, तो परमेश्वर बोलते तुम पर दया की जाएगी। और परमेश्वर ने दाऊद राजा के ऊपर दया की और दाऊद को पहले से बोल दिया कि दाऊद, अब जो तू है वो नहीं मरेगा। लेकिन जब इंसान वो पाप कबूल नहीं करता, फिर उसके ऊपर परमेश्वर का दंड जो है ना वो आता है। एक इंसान 38 साल से बीमार था, प्रभु उसके पास गए, उसको बोला क्या तू चंगा होना चाहता है? वो बोलता हमें चाहता हूँ। तो प्रभु उसने बोला, उठ, खड़ा हो जा, अपनी खाट उठाकर चल। और वो चलने लगा, सीधा चर्च में चला गया। प्रभु से वहाँ खड़े उसका इंतजार कर रहे, अभी मेरे पास आया, अभी मुझे थैंक यू बोले। लेकिन वो तो उठकर चला ही गया, चर्च में चला गया। प्रभु से पीछे पीछे गए उसके और उसको मिले और मंदिर में जाकर उसको कहा, बाइबल में पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका 14वां पद। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला, तब उसने उससे कहा, देख तो चंगा हो गया है, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। 38 साल से जो तेरे ऊपर विपत्ति थी, उससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। पाप मत करना, वरना इससे भी भारी विपत्ति आ जाएगी। इसका मतलब पहले पाप से ही आई थी, ये बात जाहिर है। जब इंसान पाप करता है ना, किसी को पता हो या ना पता हो, लेकिन हमारे परमेश्वर जानते हैं। और परमेश्वर जानते हैं तो दंड आता है। वहां कई बार 38 साल में कितनी बार पानी हिला होगा, कई लोग आकर चंगे होकर चले गए, लेकिन किसी का नंबर क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि जब इंसान पाप करता है, उसको कबूल नहीं करता है, तो बीमारियां जो उसके ऊपर आती है, उसको कोई चंगाई नहीं दे सकता। आशा राजा को कोई चंगाई नहीं दे पाया। 3-3 साल तक वो जूझता रहा और आखिर में उसका नाश हो गया। ये 38 साल से बहुत बार प्रयत्न किया, लेकिन इसको चंगाई नहीं मिली। प्रभु उसने चंगाई दी तो वापस भाग गया हो, तो प्रभु वापस उसके पास गए और वहां पर जाकर मिले कि क्या करता है तू, चंगा हो गया तो भाग जाता है, कम से कम पूछ तो सही क्या हुआ था मुझे। बोले दूसरी बार पाप मत करना, कहीं विशेष विपत्ति तुझ पर ना आ जाए, इससे ज्यादा विपत्ति ना आ जाए। मतलब पाप ऐसी चीज है जो इंसान के जीवन में वो दंड लेकर आती है, वो चाहे बीमारी का दंड हो,
चाहे श्राप हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन दंड उस पर आता है। और फिर जब तक वो कबूल नहीं करता, वो दंड से आजाद होना उसके लिए बहुत मुश्किल है, नामुमकिन के समान है। और बाइबल में भी लिखा है, हम पढ़ते हैं पहला कुरंथी उसका 11वां अध्याय और उसका 29 और 30 पद। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। जो कोई प्रभु भोज लेता है लेकिन अपने आप की परीक्षा नहीं करता, प्रभु भोज जब हम दाख रस पीते वो प्रभु का लहू है, जब हम रोटी खाते वो प्रभु का शरीर है, जब उसको कोई सही रीति से नहीं खाता रहे तो फिर परमेश्वर बोलते हैं वो बीमार हो जाता है। उसके ऊपर बीमारियां जो है वो बीमारियां उसके ऊपर आ जाती है और बीमारियां उसको मिल जाती है। फिर याकूब की पत्री में लिखा है, याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 16वां पद। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। देखो परमेश्वर बोलते हैं कि एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ, जिससे चंगे हो जाओ। पाप कबूल करो फिर प्रार्थना करो, बिना पाप कबूल करे प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर बोलते चंगाई नहीं मिलेगी। और इसलिए चंगाई पाने के लिए पाप को कबूल करना बहुत जरूरी है। और दूसरी रीति से अगर ये शब्द बोले जाए तो इसका मतलब ये होता है कि इंसान पाप करता है और उसके ऊपर बीमारियां जो है वो बीमारियां परमेश्वर के दंड के स्वरूप में वो उसके ऊपर आ जाती है। हम हर शनिवार को होल नाइट करते, कई बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते, अगर एक हफ्ते प्रार्थना की, दो हफ्ते प्रार्थना की, अगर उनको चंगाई नहीं मिली मैं उनको फोन कर बता देता हूँ, देखो भाई साहब दो हफ्ते से आपके लिए प्रार्थना हो रही, आपको चंगाई क्यों नहीं मिल रही, आप अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दो, अपने गुनाहों की क्षमा मांग लो और देखो आपके आपकी जो बीमारी है वो चली जाएगी। मैं स्पष्ट बता देता हूँ उनको, क्योंकि हम यहाँ पर प्रार्थना करें वो वहाँ पर अपना गुनाह कबूल ना करे, वो पापों की क्षमा ना पाए तो फिर वो कैसे चंगा हो जाएगा। एक लकवा वाले को प्रभु के पास लेकर आए, प्रभु से उसको देख कर बोला कि मेरे बेटे तेरे पाप में क्षमा करता हूँ, तो फरीसी लोग अंदर सोचने लगे ये कौन होता है पाप माफ करने वाला, तो उनको पूछा प्रभु से क्यों बुरे विचार करते हो, इसको क्या कहना आसान है कि तेरे पाप क्षमा करता हूँ वो, या उसको ये कहना आसान है कि उठ और खाट उठा कर चल। जब तक पापों की क्षमा नहीं वो खाट उठा कर नहीं चल सकता, ये कठिन है खाट उठा कर उसको बोला कि तू चल, उसको पहले पापों की क्षमा चाहिए। और पापों की क्षमा के लिए इंसान को पाप जो है वो कबूल करना चाहिए ताकि इंसान परमेश्वर की ओर से उस इंसान को चंगाई मिले। और बाइबल में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार में, यूहन्ना की पत्री में पहला यूहन्ना उसका 1वां अध्याय और उसका 8वां पद। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। परमेश्वर कहते अगर कोई ऐसा बोले मेरे अंदर पाप नहीं, वो इंसान खुद को धोखा देता है, मतलब पाप तो सभी में है ही है। और परमेश्वर कहता है कि वो परमेश्वर को झूठा साबित करने की बात करता है। फिर उसका 10वां पद पढ़ो। यदि कहे कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं। हाँ, जो ऐसा कहता है कि मैंने पाप नहीं किया वो परमेश्वर को झूठा ठहराने की बात करता है। तो कोई भी इंसान ये नहीं बोल सकता कि मैंने आज तक कोई भी गुनाह नहीं किया, हम सभी लोग गुनहगार है, हम सभी लोगों ने पाप किया ही किया है और हमें कबूल करना ही चाहिए। लेकिन इंसान को बदनामी लगती है, उसको डर लगता है कहीं मैं बदनाम हो जाऊंगा, मैं लोगों के सामने छोटा हो जाऊंगा, उसको शर्मिंदगी महसूस होती है और इस कारण से वो फिर पाप जो है वो कबूल नहीं कर सकता। लेकिन उसका 9वां पद पढ़ो तो। यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ, अगर हम पापों को मान ले कबूल कर ले तो हमारे परमेश्वर जो है वो हमें इस पाप से आजाद करते, हमको छुड़ाते। ये बहुत स्पष्ट सी बात है, पाप जो है वो सभी इंसान के जीवन में आता ही आता है। सामरी स्त्री जिसने 5-5 पति किए थे, छठवें के साथ ऐसे ही रहती थी,
बहुत ही बदनाम औरत थी और दोपहर में पानी भरने के लिए गई थी ताकि गांव वाला कोई मिले नहीं, शहर वाला कोई मिले नहीं, कोई उसकी निंदा ना करे, इसलिए वो अकेली दोपहर में कड़ी धूप में वो पानी भरने के लिए गई। प्रभु से मुलाकात हुई, प्रभु से बहुत कुछ कहा। आखिर में स्त्री बोलती है कि प्रभु मुझे पानी दो, और तब प्रभु से उसको कहा कि जा अपने पति को लेकर आ, और उसे शॉर्ट में उत्तर दिया मेरा पति नहीं है, देखने जाओ तो ये सच है और देखने जाओ तो 100% झूठे। सच इसलिए कि सही में उसका पति नहीं था, लेकिन झूठ इसलिए है कि पांच पति कर चुकी है और छठवें के साथ भी पति बनाकर ही रहती है। सिर्फ एक बात है, उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, बस इसके साथ कोई शादी की रस्म अदा नहीं की, बस गवर्नमेंट से कोई सर्टिफिकेट लेकर नहीं आई या याचक के पास से सर्टिफिकेट लेकर नहीं, बस इतनी बात है। वरना रहती तो उसी तरह से जिस तरह से एक पति के साथ रहना चाहिए। तो इसको स्पष्ट बोलना चाहिए कि प्रभु मैं पांच पति कर चुकी हूँ, छठों के साथ बिना सर्टिफिकेट लेकिन पति बना कर रहे, तो प्रभु बोलो क्या मुझे पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं तो ऐसी स्त्री हूँ। लेकिन पाप कबूल करना सभी को बहुत कठिन लगता है, उनको ऐसा लगता है कि पाप कबूल करके तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी, काम करते हो इज्जत नहीं सोचते, पाप करते हो इज्जत नहीं सोचते, मेरा क्या होगा। लेकिन आखिर में क्या हुआ, स्त्री के जीवन में काम हुआ और यूहन्ना में लिखा है उसका चौथा अध्याय और उसका 28 और 29 पद। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही मसीह तो नहीं। देखो स्त्री लोगों को जाकर क्या बोलती है, एक मनुष्य उसको आकर मिलो, मैंने जो जो किया वो सब कुछ उसने कह बताया, वो तो बाइबल में ऐसा लिखा है। उसने जाकर क्या बोला होगा, सभी के दराजे पर जा जाकर बोला होगा बाहर निकलो बाहर निकलो, सभी सोए पड़े होंगे, दोपहर में आराम करते होंगे। उस वक्त स्त्री लोगों को बाहर निकाल निकाल कर बोल रही, बोले जल्दी से याकूब के कुएं के पास चलो। बोले क्या हुआ, बोले पुरुष मुझे मिला है और मैंने जो पाँच पाँच पति किए और छठे के साथ मैं ऐसे ही रहती हूँ, वो सब कुछ उसने बता दिया, हम तो आज तक उसको नहीं मिले, उसको कैसे पता, कहीं वो मसीह तो नहीं है, आकर देखो। देखो स्त्री एक एक लोगों को बता रही है। तो क्या लोगों को नहीं मालूम स्त्री सही में कैसी है। बदनामी तो कब हो चुकी थी इसकी, जब इसने काम किया। हम क्या समझते कबूल करने से बदनाम होते, हम कबूल करने से नहीं, जब इंसान पाप करता है लोगों को पता चलता है वो तभी से वो बदनाम हो जाता है, वो ऐसा करता है। कई बार देखना लोग बड़ी बड़ी बातें करते, कभी भी अपनी इज्जत को भी देखना हो कि लोगों के घर में मेरी इज्जत कितनी है, तो उस घर में जाकर किसी भी तरह से एक रिकॉर्डर छोड़कर आओ, घंटा वहां पर बैठो और उसके बाद निकल आओ, और उसके बाद 10 मिनट में जाकर रिकॉर्डर लेकर आओ, तो पता चल जाएगा कि हमारी इज्जत कितनी है, क्योंकि हमारे सामने सभी लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन हमारे जाने के बाद जो सही बात होती है उससे हमको पता चलता है कि लोग हमको क्या मानते हैं। इंसान का जो पाप है उस पाप की वजह से बदनाम तो पहले हो ही चुका है, उसको ऐसा लगता है मैं कबूल करूंगा तब बदनाम होगा, नहीं सब जानते ही है। स्त्री के बारे में सभी लोग जानते थे स्त्री ऐसी है, बदचलन है, कोई इसके साथ रिश्ता नहीं रखता था, इसलिए तो दोपहर को पानी भरने के लिए निकली थी, नहीं तो सभी के साथ नहीं जाती और ना बोलती। आप लोगों को गलत फहमी हुई है, मैंने कोई पांच शादी नहीं की, ये छठवे के साथ मैं ऐसे नहीं रहती, ये कोई छठवा नहीं है। सभी को पता होता है कौन क्या करता है, वो तो कोई किसी के मुंह पर नहीं बोलता, लेकिन सभी लोग जानते हैं बदनाम तो इंसान उसी वक्त हो चुका होता है जब उसने काम किया, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि जब मैं कबूल करूँगा तब मैं बदनाम हो जाऊँगा, उसको ऐसा लगता है। इसलिए आशा राजा ने उस वक्त जो है वो उसने कबूल नहीं किया, लेकिन जब स्त्री ने कबूल किया सभी को जाकर बताया, तो क्या इसकी बदनामी हुई, तब उसकी बदनामी नहीं हुई, सभी लोग स्त्री के ऊपर विश्वास कर कर प्रभु के पास आए, तब बदनामी नहीं हुई। परमेश्वर बोलते कबूल करोगे और छोड़ोगे मेरी दया होगी, वो आज तक बदनाम थी, जब कबूल किया तब बदनामी नहीं मिली उसको,
तब तो परमेश्वर की ओर से कृपा आई उसके ऊपर, दयाई पूरे शहर को बचाकर प्रभु यीशु के पास लेकर गई। और उन लोगों ने दो दिन प्रभु यीशु के साथ रहने के बाद स्त्री के पास आए और आकर क्या बोलने लगे मालूम है, ए स्त्री दो दिन पहले तू आई थी ना हमको बताने के लिए, और हमने तेरी बात सुनकर विश्वास किया था ना, लेकिन आज हमने भी पहचान लिया यही मसीह है, आज हम भी विश्वास करते मतलब कबूल करते एक बार तेरी बात पर हमने विश्वास किया था, अभी वो बदनाम नहीं रही थी, कबूल किया तब उसके जीवन में बदनामी जो है वो बदनामी नहीं आई थी। आशा राजा ने कबूल नहीं किया तो उसके ऊपर दंड आया और आखिर में वो मारा गया। और लुका रचित सुसमाचार में लिखा है, हम पढ़ते हैं उसका 22वां अध्याय और वहां पत्रस के बारे में लिखा है। प्रभु ने पत्रस को कहा था कि पत्रस तू मेरा 3 बार इनकार करेगा, और पत्रस ने बोला नहीं प्रभु मैं मर जाऊंगा तेरे साथ जेल में जाऊंगा लेकिन मैं इनकार नहीं करूंगा, लेकिन 3 बार इनकार कर बैठे। और उसके बाद वहां पर लिखा है, हम पढ़ते उसका 62वां पद, और वो बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। बाइबल में लिखा है कि पत्रस वो फूट फूट कर रोए, मतलब कबूल करे कि हाँ प्रभु, क्योंकि जैसे ही तीसरी बार उसने इनकार किया प्रभु यीशु ने अपना चेहरा घुमाकर पत्रस की ओर देखा, पत्रस ने भी चेहरा घुमाकर प्रभु यीशु को देखा, आंखों ही आंखों में बात हो गई। पत्रस बोला था ना मैंने 3 बार इनकार, पत्रस को भी याद आ गया, पत्रस बाहर भागे रोने लगे, प्रभु यीशु भी उसको देख रहे मेरा बेटा रो रहा है। क्या पत्रस बदनाम हुए? क्या कभी किसी ने पत्रस को बोला ए पत्रस तूने 3 बार इनकार किया तू क्या मुझे सिखाता है? लेकिन वही सभी का मुखिया था, पत्रस सभी के मुख्य बन गए। परमेश्वर का कोई दंड ना तो सामरी औरत के ऊपर आया, ना कोई भी दंड इस पत्रस के ऊपर आया, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं कि अगर गुनाह मान लोगे कबूल करोगे छोड़ दोगे मैं दया करूंगा, और परमेश्वर हम पर दया करते। जो वचन हमने आज पढ़ा था लुका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 36 से लेकर 50 पद हमने पढ़ा था, वहाँ सिमोन कोडी नाम का एक इंसान था जो फरीसी था, उसको पूरे शरीर में कोढ़ फैला हुआ था, उसने प्रभु उसको खाने पर बुला लिया। पर यह कोढ़ी कोई और नहीं, अगर बाइबल में 4 सुसमाचार आप ध्यान से पढ़ोगे और उसमें मरियम ने जो इत्र लगाया वो बात अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा सिमोन कोढ़ी को मरियम का बाप था। मरियम, मार्था और लाजर ये तीनों आपस में भाई बहन थे, उन्हीं के घर में खाना था, और तभी मरियम ने आकर वहां पर प्रभु यीशु के ऊपर इत्र लगाया, रोने लगी और अपने आंसुओं से प्रभु यीशु के पैर पोंछने लगी और अपनी चोटी से अपने बालों से वो प्रभु यीशु के पैर को पोंछने लगी। और तब ये सिमोन कोढ़ी मतलब मरियम का बाप वो बैठे बैठे सोच रहा है, बोले है इसको गलती से खाने पर बुला लिया, ये अगर भविष्यवक्ता होता तो इसको पता चल जाता ये स्त्री को हाथ नहीं लगाने देता तो कितनी पाप स्त्री, देखो एक सगा बाप अपने बेटे के बारे में ये सोच रहा है, ये तो बहुत पाप स्त्री है। प्रभु सुन जैसे देखा ऐसा सोच रहा है, ए सिमोन मुझे तुझसे कुछ कहना है। प्रभु से दृष्टांत दिया, कोई कम कर्जदार था कोई ज्यादा कर्जदार था, बोले दोनों को माफ किया गया, कौन कितना प्रेम करेगा, बोले जिसको ज्यादा क्षमा किया गया ना वो ज्यादा प्रेम करेगा, बोले जब से मैं तेरे घर में आया हूँ तूने मेरे पैर नहीं धोए, तूने मुझे किस नहीं ली, लेकिन देख स्त्री जिसको तू पापी समझता है लेकिन अपने आंसुओं से मेरे पैरों को धो रही है, जो इतना सबसे मूल्यवान है वो मेरे ऊपर डाल रही है, इस स्त्री ने अपना सब कुछ मेरे ऊपर डाल दिया, और इसलिए इसके पाप ज्यादा होने के बावजूद आज इसके पाप में क्षमा करता हूं। देखो इसने आकर कुछ प्रभु यीशु को ऐसा नहीं कहा कि प्रभु यीशु मैंने ये पाप किया वो पाप किया, पत्रस सिर्फ रोए, उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रभु यीशु मैंने ये पाप किया वो पाप किया, सामने से लोगों को जाकर सिर्फ इतना बताया कि मैंने जो किया था वो कर कर बताया, लेकिन परमेश्वर हम जो कबूल करते उसकी भाषा परमेश्वर जानते,
सिर्फ आंसुओं से परमेश्वर पहचान गए कि सारा पाप कबूल कर रही है मेरे आगे की। प्रभु से उसके ऊपर दया की, उसके पापों को क्षमा कर लिया और इस स्त्री के ऊपर, मरियम के ऊपर परमेश्वर का कोई भी दंड जो है वो कोई भी दंड इसके ऊपर नहीं आया। और वहां पर जो वचन हमने पढ़ा था वहां पर लिखा है उसका 37 पद पढ़ो तो। और देखो उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है। हाँ, यहाँ पर लिखा है एक पापी स्त्री, ये पापी थी, बहुत पाप में ये फंसी हुई थी, मतलब बदनाम थी, शर्मिंदगी जैसा जीवन तो उसका उस वक्त तक। लेकिन पाप कबूल करने के बाद किसी ने आकर ऐसी हिम्मत से नहीं कहा कि बैठ तू तो बहुत बदनाम है, बैठ तू तो वैसी है, किसी ने आकर नहीं कहा। उसके बाद कभी भी वो बदनाम जो है वो बदनाम नहीं हुई। लेकिन उसका 38 पद पढ़ो तो। और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगाने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बराबर चूमकर उन पर इत्र मला। हाँ, ये जो रोती थी उससे पता चल जाता था कि इसने अपने पाप को कबूल किया। रोने से पता चल गया कि हाँ ये अपना पाप कबूल कर रही है, परमेश्वर की दया इसके ऊपर हो गई और इसके ऊपर किसी भी तरह का दंड जो है वो दंड नहीं आया। इंसान क्यों पाप कबूल नहीं कर पाता, बहुत ध्यान समझदा। ये सभी लोगों के जीवन की बात है, सभी के जीवन में सबसे बड़ी बात है कि जब उससे छोटी सी भी गलती हो जाती है वो कबूल नहीं कर सकता। उसको ऐसा लगता है मैं छोटा हो जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, मैं बदनाम हो जाऊंगा कबूल करने से। अरे कुछ नहीं होने वाला, कबूल नहीं करोगे तो परमेश्वर का दंड तो आएगा ही आएगा और दंड को नहीं सहन कर पाओगे। आशा राजा बहुत अच्छे परमेश्वर क्या क्या कार्य करते थे, लेकिन जब गुनाह किया तो परमेश्वर उसके पहले का जीवन नहीं देखा था। और इस मरियम ने कबूल किया तो परमेश्वर उसका भी पहले का जीवन नहीं देखा, पहले के पाप नहीं देखे, आशा का पहले का अच्छे काम नहीं देखे, तो मरियम के पहले के पाप नहीं देखे। देखो हमारे परमेश्वर वर्तमान में जीवित है, आप कल कैसे थे उससे परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं, आप आज अभी इस वक्त कैसे हो। जिस दिन परमेश्वर हमको लेने के लिए आएंगे उस वक्त परमेश्वर ये नहीं देखेंगे कि तूने कल क्या किया था, परसों क्या किया था, 10 साल पहले क्या किया था, तूने किस तरह से मुझे जीवन समर्पित किया था, किस तरह से तूने पवित्र आत्मा को पाया था, परमेश्वर ये नहीं देखने वाले, परमेश्वर वो देखने वाले, तू अभी कैसा है। हालेलुया। और उस वक्त आप जैसे होगे उसके अनुसार परमेश्वर आपको बदला देने वाले, क्योंकि यहेजकेल में पहले से लिखा है, यहेजकेल उसका 18 अध्याय उसका 21 से लेकर 24 पद। परंतु यदि तू दुष्ट जन अपने सब पापों से फिर कर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे तो वह न मरेगा। देखो परमेश्वर बोलते हैं अगर कोई इंसान उसे बुरा ही जीवन जिया लेकिन वो पश्चाताप करते अपने पाप दूर करते अच्छा बन जाएगा तो उसके पहले के काम याद नहीं किए जाएंगे, फिर वरन जीवित ही रहेगा। उसने जितने अपराध किए हो उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध न किया जाए। परमेश्वर बोलते उससे पहले जितने भी अपराध किए होंगे उसमें से कुछ भी परमेश्वर बोलते स्मरण नहीं किया जाएगा। कहां परमेश्वर ने सामरी स्त्री के पहले का पाप स्मरण किया, कहां प्रभु से इस मरियम के पहले के पाप जो है वो स्मरण में लाए, प्रभु से सब कुछ भुला दिया। फिर आगे पढ़ो, जो धर्म का काम उसने किया हो उसके कारण वह जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे, अगर कोई इंसान आज्ञाकारी छोड़ दे, अच्छा सा जीवन जीता हो आशा के समान, लेकिन वो छोड़कर अगर वो पाप करने लग जाए तो क्या वह जीवित रहेगा? जितने धर्म के काम उसने किए हो उनमें से किसी का स्मरण न किया जाए। परमेश्वर बोलते उसके अच्छे कामों में से कोई स्मरण नहीं किया जाएगा। देखो परमेश्वर वर्तमान काल में जीवित है, वो कल की बात नहीं कर रहे, वो आने वाले कल की भी बात नहीं कर रहे। कल आप कैसे थे,
परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं। कल आप कैसे होंगे उससे भी परमेश्वर को लेना देना नहीं। परमेश्वर बोले तू अब कैसा है, उसी के ऊपर परमेश्वर आपको दंड देंगे या दया करेंगे। अगर पहले अच्छे काम किए लेकिन आज गलती गुनाह किए तो परमेश्वर गलती गुनाह को देखेंगे, वो अच्छे काम को नहीं देखेंगे। अगर आज तक गलती गुनाह किया लेकिन अभी आपने परमेश्वर के आगे कबूल किया, अच्छे रास्ते पर आ गए, तो पहले चाहे कितने भी अधर्म के काम किए परमेश्वर उसको निगाह में नहीं आने वाले। परमेश्वर बोलते हैं कि पाप कबूल करो, उसको छोड़ दो तो दया की जाएगी। इस मरियम के ऊपर परमेश्वर ने दया की, लेकिन वो फरीसी जो कोढ़ी था उसके बाद में भी कोढ़ी रहा, उसके ऊपर कोई दया नहीं हुई। वरना प्रभु किसी के घर में खाने के लिए जाए और क्या उसका कोढ़ ना जाए, ऐसा हो सकता है? लेकिन वो भूला है खाने के ऊपर, लेकिन अपना पाप ना छोड़े तो उसका कोढ़ उसके ऊपर वो बना रहता है। सही में तो ऐसा होना चाहिए कि जब जब प्रचार होता है ना, जैसे ही प्रचार खत्म होता है ना, वैसे ही परमेश्वर अपने वचन से सबसे बात करते, उनके अंदर हिम्मत आ जाने चाहिए, खड़े होकर तुरंत बोल जाना चाहिए कि हाँ मेरे अंदर ये पाप था लेकिन आज से मैं छोड़ रहा हूँ। लेकिन उसको ऐसा लगता है किसी को पता चल जाएगा मैं ऐसा था, मैं वैसा हूँ, और बदनामी के डर से करता नहीं है, और उसके ऊपर दंड आता है और दंड का वो सहभागी बनता है। लेकिन मरियम के ऊपर कोई दंड नहीं आया, उस सामरी औरत के ऊपर कोई दंड नहीं आया, क्योंकि उन्होंने कबूल किया, उनके पहले के जीवन को परमेश्वर ने नहीं देखा। आज भी हमें यही काम करना है कि जो भी गलती गुनाह होते उसको लेकर परमेश्वर के पास जाए, परमेश्वर के पास आकर कबूल करे, परमेश्वर को कहे परमेश्वर मुझे क्षमा करो, उसको छोड़ दो, और देखो परमेश्वर आपके पुराने कोई भी काम जो है वो याद नहीं करेंगे और परमेश्वर आप पर दया करेंगे। लेकिन अगर उसको नहीं मानोगे तो चाहे कोई जानता है या नहीं जानता, परमेश्वर जानते, दंड पक्का आएगा, और उस दंड से कोई भी इंसान की ताकत, आपका सोना चांदी, आपका पैसा, या दवा, या डॉक्टर, या ऑपरेशन, कोई भी आपको नहीं बचा सकता। और इसलिए जो भी हमारे पाप है उसको परमेश्वर के पास लेकर जाएगा और परमेश्वर से कहे परमेश्वर मुझे क्षमा कर दो, और परमेश्वर हम पर दया करेंगे। आओ हम हमारे आँखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु से कहा चुका है, जो राजा हो के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचे, हम अपने आप को परखे कि मैं कहाँ पर, क्या मेरे जीवन में आशा वाली तो बात नहीं, क्यों उन्होंने कबूल नहीं किया, क्या मेरे अंदर आदम और हवा वाली तो बात नहीं, कबूल करने से शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। देखो सामरी औरत को देखो, इस मरियम को देखो कि जिन्होंने अपने पाप को कबूल किया और परमेश्वर उनके पुराने सारे काम भूल गए, उनको क्षमा किया, उन पर दया की। अगर कबूल करेंगे तो परमेश्वर का दंड, और अगर कबूल नहीं करेंगे तो परमेश्वर का दंड। क्या शर्मिंदगी चाहिए या परमेश्वर का दंड चाहिए? फैसला हमारे हाथ में है, लेकिन परमेश्वर चाहते कि हम हमारे पापों को कबूल करें, उसको छोड़ दें, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर के दिन हम सभी पर मिल पाए। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।